पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में गोलाबारी जारी, भारतीय सेना भी दे रही मुंहतोड़ जवाब। मुख्यमंत्री द्वारा अंतर विभागीय बैठक को किया गया संबोधित, चरारे शरीफ के कार्यों पर गति लाने के दिए गए आदेश। मुख्यमंत्री ने पूर्व कानून मंत्री शेख मोहम्मद मकबूल के निधन पर जताया शोक, कहा दिवंगत शेख मकबूल एक ईमानदार और निस्वार्थ जनप्रतिनिधि थे। पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे तमाम शिक्षण संस्थान बंद, पाक द्वारा भारी गोलीबारी के चलते लिया गया था फैसला। आतंकियों ने शोपियां में जेके बैंक में लूट की वारदात को दिया अंजाम, 1,93,000 नकदी ले हुए फरार। कटरा में नौदेवियों के पास बस हुई सड़क दुर्घटना का शिकार, 24 यात्री हुए घायल, अस्पताल में उपचार के लिए करवाया गया भर्ती। कराल के जंगली इलाकों में आज पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, अंधाधुंध गोलीबारी कर आतंकी वहां से भागने में हुए कामयाब। वित्त मंत्री द्रावू ने कहा विवेकपूर्ण सार्वजनिक व्यय नीति आर्थिक मंदी को रोकने की कुंजी, नीतियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार नई रूपरेखा कर रही तैयार। डोडा के खिलानी क्षेत्र में स्थित दो दुकानों में लगी भीषण आग, फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। अवंतीपुरा पुलिस ने जैश आतंकी को किया गिरफ्तार, कुछ दिन पहले तराल बस स्टैंड पर हुए ग्रेनेड हमले का दोषी है पकड़ा गया आतंकी। श्रीनगर के क्षेत्रों में प्रशासन ने लगाई कर्फ्यू जैसी पाबंदियां, चोटी कटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर अलगाववादियों ने दी थी आज बंद की कॉल। बांदीपुरा में तलाशी अभियान के दौरान सेना पर स्थानीय युवाओं ने किया पथराव, प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण पाने के लिए सेना को आंसू गैस का करना पड़ा इस्तेमाल। जैन बाजार एसोसिएशन ने आज अपनी तमाम समस्याओं को सरकार के समक्ष किया उजागर, कहा सरकार की अनदेखी से बेहद है परेशान। जम्मू विश्वविद्यालय में एससी दुबे मेमोरियल लेक्चर का हुआ आयोजन, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर केशव शर्मा थे मुख्य रूप से उपस्थित। एसडीआरएफ की सेकंड बटालियन ने इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रम का किया आयोजन, विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने सीखे प्राकृतिक आपदा से निपटने के गुर। कांग्रेस पार्टी ने आज जम्मू में निकाली रोष रैली, अलगाववादी नेता आसियान द्राबी के पोस्ट पर सरकार को ठहराया जिम्मेदार। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए प्रस्तुत। एनएसयूआई ने कल किश्तवाड़ में हुई घटना को लेकर जताया रोष, एसीआर को जल्द से जल्द हटाने व उन पर कार्रवाई की मांग। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आज डोडा में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के उपायों की दी गई जानकारी। पुलिस ने उखराल रामबन में दो दिवसीय क्रिकेट का किया आगाज, युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है आयोजन का मुख्य उद्देश्य। बटमालू में चोटी काटने का एक और मामला आया सामने, स्थानीय महिलाओं ने किया प्रदर्शन, जांच की मांग। कुलगाम जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, दो डॉक्टरों के निलंबन का कर रहे विरोध। कुलगाम में एक एनजीओ ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का किया आयोजन, कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कर्मियों व छात्रों ने लिया भाग। छंभ विधायक ने पीएचसी पलायवाला का किया औचक दौरा, संबंधित सुविधाओं का लिया जायजा। जेके बैंक ने लोगों को दी मुद्रा योजना की जानकारी, युवाओं को लाभ लेने के लिए किया गया। जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए लॉग ऑन करें jkupdate.com पर, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें जेके अपडेट मोबाइल ऐप, सब्सक्राइब करें जेके अपडेट यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें।